शाहरुख खान वाज फर्स्ट जो आए थे, मतलब कट के बाद मुझे बोलना पड़ता है सॉरी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने ये बोला, मतलब मैंने, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? उनका नहीं नहीं ठीक है, और अच्छे लोग मिले हैं थैंकफुली, अभी तक कुछ अच्छे लोग मिले हैं, कुछ नहीं मिले, बट आई थिंक यू आल्सो हैव टू बी अ ग्रेट स्पॉट टू बी, क्योंकि वो कैमरा पे तो दिख ही जाएगा ना, आई मीन यू कांट प्रिटेंड, हां ट्रू, एंड समबडी लाइक शाहरुख वुड बी सो, मतलब वो तो फिर वो वैसा था कि मैं 5 मिनट बाद भूल गया था कि वो शाहरुख खान है, मुझे वैसा लग रहा था कि कोई पुराना दोस्त है जो मिला है और मतलब हम कर रहे हैं, इट वाज वन लॉन्ग टेक, 40 मिनट्स टेक, सो इट वाज एवरीथिंग वाज जस्ट वन टेक, आर यू सीरियस, दैट होल थिंग वाज वन टेक, वाज वन टेक, या सो दैट्स बीन द बेस्ट बेयरली स्पीकिंग, आई थिंक सो मतलब अकॉर्डिंग टू अस, मतलब द फन वी हैड, ऑफ कोर्स मे बी शायद कंटेंट वाइज जोक्स वाइज हमें कुछ एक आध बेहतर मिल गए होंगे, बट the fun, the amount of fun we had, और वो शायद 8 घंटे push हुआ था shoot, और मैं बहुत गुस्से में था कि ये क्या चल रहा है और अब तो आने दो, और फिर जैसे ही मैं आया, actually went into the character, हाँ, और फिर जैसे ही वो आए और फिर मुझे लगा अरे शर, मैंने बाजीगर पहली बार देखी, और वो सब मेमोरीज आती हैं मेरे करण अर्जुन आ गए, मेरी पहली फिल्म थिएटर में बाजीगर देखी थी वो, और मदन चोपड़ा और वो सारे फ्लैशेस आ रहे हैं और अभी शाहरुख सामने बैठे हैं, तो वो बहुत, और फिर सडनली आप भूल जाते हो 5-10 मिनट में कि शाहरुख खान है, he was the wittiest guest as in he didn't know about the questions or any, उनको पता नहीं था कि क्या सवाल उनसे पूछे जाने वाले हैं और वो सब सब, और वो शुरू हुआ टेक और फिर इट जस्ट वेंट ऑन, इट फेल्ट लाइक, मतलब हमें ऐसा फील हो रहा था जब हम देख रहे थे सामने से कि मैं और बिस्सो या मैं और जीतू और बिस्सो बैठ के ठसा रहे हैं, गप्स चल रहे हैं इनके और मजे ले रहे हैं लोग, वाओ, जो हम इम्प्रोव करते हैं ऐसे ही मजाक में कभी कभी इम्प्रोवाइजेशंस, तो वो वैसा था, तो बहुत सही था, वो सरियल था, दैट्स अमेजिंग, बट सबसे ज्यादा सड़ू कौन था, कैन यू नेम समबडी जो स्पोर्टिंग नहीं था? मेरे ख्याल से हम इस सीजन की शुरुआत में हमने, मैं नाम तो नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, बट शुरुआत में हमने किसी के साथ किया था, तो वो बहुत खराब एक्सपीरियंस था बिकॉज़ द पर्सन वाज नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द शो, तो देन सेट पे फिर वो हो जाता है कि समझाना पड़ता है कि ये कॉमेडी है और कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, जोक्स हैं और वो हम मीम नहीं करते, बट देन फिर हमने चेतन भगत के साथ किया और वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, तो वो वैसा था कि अनफेज्ड, मतलब शाहरुख किस चेहरे पे एटलीस्ट कभी एक स्पॉट लगता है कि ज्यादा किया तूने, बट चेतन भगत और उनको सारे क्वेश्चंस बिफोर हैंड बता दिए गए थे, सारे जोक्स, एंड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, वो तो ज्यादा बोल रहे थे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, तो अनफेस्ड सिक्योर, मतलब वो इमेज ही बदल जाती है इंसान की जब आप करते हो, तो वैसा है, और काफी मजा, इज लुकिंग एट दिस एंड क्लैपिंग फॉर हिमसेल्फ राइट नाउ, वो काफी कूल, वो बहुत, और उनके घर पे किया हमने, वाओ, तो मुझे वैसा फील आ रहा था कि मैं घर जाके किसी के मैं बुराई करके ऐसे आ रहा हूं, बिकॉज़ दिस इज माय शो, दिस इज माय हाउस, चाय फूड डिड यू गेट सर्व्ड उसके बाद, वही है, और फिर किताब को मैं, उनकी आने वाली किताब को मैं बोल रहा हूँ और फेंक रहा हूँ, तो बहुत मुझे वैसा लगा कि अरे कैसे कोई टॉलरेट कैसे कर रहा है मुझे, बट हाँ ड्यूअल पर्सनालिटी डूड Seriously.